नशा बेचने वाली रूबीना शेख को नेहरू नगर पुलिस स्टेशन ने किया गिरफ्तार। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मंगलवार की एक काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई नेहरू नगर पुलिस स्टेशन की टीम ने किया है, जहां पर रूबीना मोहम्मद सादिक शेख जो है वो अपना गांजा बेचने जा रही थी। उस जगह का नाम जो है लॉन्ड्री बताया जा रहा है, और उसी लॉन्ड्री जो कि पटरी पर स्थित है वहाँ पर वो जो है अक्सर करके गांजा तस्करी करती थी। जब आखिरकार इसकी पूरी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस निरीक्षक है चंद्रशेखर बाबल, उन्होंने अपनी टीम बनाई और टीम का गठन करते हुए रूबीना शेख को गिरफ्तार किया। रूबीना शेख को गिरफ्तार करने के बाद से इसके पास से जो है मूल रूप से अगर देखा जाए तो 250 ग्राम गांजा जब्त किया। अगर इसकी बाज़ार में कीमत देखे तो 4,500 के आसपास की है। इसमें सभी पुलिस के जो है टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, जिसमें PSI बंगार है और पुलिस कांस्टेबल नितिन वाघ है, प्रमोद ताइडे है, दीपक वाघ है, प्रशांत बिरगाजे है, WBC मोरे है और पवार है। ऐसे तमाम उनकी टीम का गठन करते हुए इस रूबीना शेख को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस अभी ये तफ्तीश कर रही है कि और कितने लोगों का इसमें नाम जुड़ना बाकी है। लेकिन हम अगर बात करें रूबीना शेख की तो पिछले काफ़ी लंबे अरसे से पुलिस के नज़रों में थी, क्योंकि नशे को लेकर के उनके काफ़ी सारे जो है सुराग पुलिस को मिलते थे। अगर हम बात करें काफ़ी एक अच्छा ट्रैप नेहरू नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हुआ है, जहां पर रूबीना शेख आखिरकार जो है गांजा बेचते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हो गई। ऐसे तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।